ठेंगड़ी शोध संस्थान भोपाल द्वारा आयोजित तत्वपन ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला के दूसरे दिन के मुख्य वक्ता श्री अनिल बोकिल जी पधार चुके हैं और आज इस सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी करेंगे, वो भी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं संस्थान के अध्यक्ष श्री अनिल जी तामुड़ से निवेदन करता हूँ कि वो कृपया दोनों अतिथियों को मंच पर लेकर आने का कष्ट करें। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करता हूं कि माँ भारती, माँ सरस्वती और दत्तोपन जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। वक्ता श्री अनिल जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। श्री अनिल जी बोकिल अर्थ क्रांति प्रतिष्ठान पुणे के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आप मूलतः लातूर महाराष्ट्र से हैं। देश में आर्थिक सुधार की दिशा में समाधान देने का कार्य आप निरंतर कर रहे हैं। अर्थ क्रांति प्रस्ताव 1999 में आपने तैयार किया था और तब से लेकर अब तक आप इसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रस्ताव को अत्यधिक सार्थक बनाने के लिए और प्रासंगिक बनाने के लिए आप IITs, IIM और तमाम औद्योगिक संगठनों के साथ निरंतर परिसंवाद संवाद करते रहते हैं और देश के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों से आपने इस विषय में चर्चा की है, उनको प्रस्तुतियां दी हैं। 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल के समक्ष भी आपने अपने प्रस्ताव को रखा था और ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, देश में पिछले साल नोटबंदी जो हुई थी वो भी उसी का एक हिस्सा थी। आज इस तत्वपन ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान में आपका व्याख्यान हमें सुनने को मिलेगा। इसके साथ ही आज के जो सत्र के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, आप सांवरिया समूह उद्योग समूह के अध्यक्ष हैं और आप मध्य प्रदेश कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप भोपाल से ही हैं। आप सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज के मुख्य वक्ता से पहले मैं दत्तोपन ठेंगड़ी शोध संस्थान के उपाध्यक्ष और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी गुप्ता को निवेदन करता हूं कि वो कुछ दत्तोपन ठेंगड़ी जी के संस्मरण और विषय प्रवेश कराने का कष्ट करें। जितेंद्र जी करके स्वागत करें। इसके साथ ही मैं जितेंद्र गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के मुख्य वक्ता श्री अनिल जी बोकिल का स्मृति चिन्ह और पुस्तक दे करके स्वागत करें। और मैं स्वयं मुकेश मिश्रा श्री जितेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करता हूं स्मृति चिन्ह और पुस्तक में। धन्यवाद मुकेश जी। मंचासीन अनिल क्यूब, ये इत्तेफाक है कि मंच पर तीनों ही अनिल हैं, एक अग्रवाल हैं, एक बोकिल हैं और एक तामुड़ जी हैं। उपस्थित सभी सुधीगण, क्योंकि मुझे जो टास्क दिया है परम पूजनीय दत्तोपन जी
को लेकर उनका अर्थ के बारे में चिंतन और साथ में विषय प्रवेश। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान और भविष्य। अब जब अर्थव्यवस्था के आगे भारतीय आ गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था, कल मैं रायपुर में था तो जो भारत की बात आती है तो भारत कितना पुराना है इसको लेके कुछ चर्चा और कुछ विषय निकला। तो भारत कम से कम राम सेतु से अगर गणना करें तो 17 लाख साल पुराना है। अब इतना पुराना है तो उसकी अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारे चिंतन में ही एक बात आई है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो भी शास्त्रों में जो भी चीजें आई हैं, पिंड से लेकर ब्रह्मांड की यात्रा, हमारे यहां कहा गया है इस यात्रा के लिए जो ज्ञान है उसको विद्या, और इससे दूर ले जाए, इस यात्रा से जो दूर ले जाए वो अविद्या। अब इसके बीच में जब अर्थशास्त्र की बात आती है तो उसमें जो सूत्र रूप में आया धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म पूर्वक अर्थार्जन, धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति, तो जो अंतिम जो ब्रह्मांड से मिलने का है वो हमारा लक्ष्य निश्चित है। क्योंकि दत्तोपंजी से मेरा, मुझे खुद याद नहीं है, पिताजी के कारण बचपन से ही काफी सानिध्य आया। जन्म के बाद मुझे ये नहीं वाला, मैं उनसे पहली बार कब मिला लेकिन लगातार, और फिर उन दोनों की चर्चा विमर्श में हम केवल श्रोता गण की तरह उनके चरणों में बैठे रहते थे। और चर्चाएं 3-3 घंटे की मैंने उनके साथ सुनी है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ के पिताजी भी कार्यकर्ता रहे, बाद में स्वदेशी जागरण मंच में रहे वो अंतिम समय तक, 91 से लेकर 2008 तक। तो एक जो बात बीच में हम लोग, जब मैं जब लघु उद्योग से जुड़ा और लघु उद्योग भारती में एक कार्यकर्ता बना, तो अर्थव्यवस्था को लेके जब बात आई तो बैंकों की बात आई, तो मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने उसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं सरकारीकरण, वो एक छोटी सी पुस्तक है मेरे पास। वह अब बैंकों का सरकारीकरण का आज अगर हम देखें कि किस तरह से वो पब्लिक मनी का मिसयूज हुआ, जो आज का एनपीए है, अब वो पूरा उसका डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अभी एक वर्तमान में एक लेखक ने अभी लिखा 4 दिन पहले राष्ट्रीय पत्र पेपरों में था कि किस तरह से उस पैसे को राजनीतिक उपयोगिता, इस वोट की राजनीति में जो भी हुआ वो परिणाम है, ये उन्होंने उस समय बताया था उस पुस्तक में, और देशों का कुछ उद्धरण देते हुए। फिर एक बात और कहते थे कि भाई भारतीय संस्कृति में जो हमारे गांव हैं वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल बॉडी हैं। जिस प्रकार शरीर में एक एक सेल अपने आप में, एक एक सेल का पावर हाउस उसका माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी प्रकार से 6-6.5 लाख गांव ये हमारे देश की माइटोकॉन्ड्रिया है। और वो 12 बलूतेदार की भी बात करते थे, 12 बलूतेदार, कुमार, चर्मकार, स्वर्णकार, और उनका हमारे यहां शादियों में समावेश। जब स्वदेशी जागरण मंच में वो एक उदाहरण और देते थे कि एक व्यक्ति समुद्र किनारे जो संवाद होता है वो आराम कर रहा था, एक जो वर्तमान अर्थनीति जिस तरह से चल रही है ग्लोबलाइजेशन के बाद, एक
कहीं का विदेशी फॉरेनर वहां से निकल रहा था समुद्र किनारे, उससे टकराया, गिरा। क्यों भाई क्या कर रहे हो? क्या आराम कर रहा हूं। तुमने कहा आराम क्यों कर रहे हो, कुछ काम वाम करो। तो फिर उसके बाद क्या करूं? उसके बाद शादी वादी करना, क्या उसके बाद क्या करना, क्या उसके बाद मौज मस्ती करना। तुमने कहा वही तो कर रहा हूं मैं, आप इतना घूम के मौज मस्ती की बात कर रहे हो, मैं वही कर रहा हूं। तो भारतीय परंपरा में जो सनातन सत्य की तरफ हमको ले जाती है, हमारी अर्थव्यवस्था में तैन तिक्तैन भुंजता, त्याग पूर्वक उपभोग, तो ये हमेशा रहा है। और जब जब जिस काल में अतिरेक हुआ है वो हमको मालूम है, चाहे वो सोने की लंका हो, चाहे 5 गांव ना देने की बात हो, चाहे वो नंद साम्राज्य का चाणक्य का समय हो, तब परिवर्तन आया है। वर्तमान समय जो स्थिति चल रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की, हम सबको मालूम है कि आज देश का 50% वेल्थ 1% व्यक्ति के पास है और 90% 10% लोगों के पास है। मतलब पूरे देश में 1.5-2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपार वेल्थ है, जो हमको अपने अगर 100 शहर या 50 शहर की गिनती करें तो ऐसे 1-2-3 लाख लोग अपने को हर शहर में दिख जाएंगे। अर्थनीति को लेके 3 बात जो हमारे महापुरुषों ने कही, उसको लेके मैं अपना विषय समाप्त करूंगा। विवेकानंद जी ने विकास को लेके एक बात कही थी कि पूरे ग्लोब पर सारी चीज निहित हैं, हम किसी पर अगर ज्यादा है तो उसके विपरीत कम होगी ही। जिस तरह से समुद्र में लहर अगर ऊंची उठती है तो पीछे उसके ठीक उसके विपरीत गड्ढा होता है, और उसी प्रकार जब हिंद स्वराज गांधी जी लिख रहे थे उस समय भी उन्होंने प्रस्तावना में कहीं बीच में आई है वो बात कि भारत इतने वर्ष की गुलामी के बाद भी अपने लंगर पे है, अभी तहस नहस नहीं हुआ। जो हमारी संस्कृति है उस हिसाब से हम बहुत कुछ ठीक हैं, और अगर आजादी के बाद उस तरफ हम चले जाते तो आज हमारी ये व्यवस्था मतलब जो भी आज गड़बड़ें हुई हैं नहीं होती। और उसके बाद गांधी जी के बाद जो बात आई महर्षि अरविंद की, महर्षि अरविंद ने कहा कि हर देश का भौगोलिक स्थिति हर देश की अलग अलग है, उसके प्रश्न अलग अलग हैं, तो उसके जवाब भी उस हिसाब से हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पोजीशन बन गई है, एक तरफ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम नीचे आए हैं, दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में हम वापस पिछड़ रहे हैं। तो ये जो स्थितियां बनी हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि थेंगड़े जी के बीच में मुझे काफी रहने का समय मिला। 2004 में 14 अक्टूबर को जब उनका देहावसान हुआ, उसके पूर्व कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी दिल्ली में। तो वर्तमान राजनीति से भी काफी व्यथित थे, वो अलग उदाहरण है, वो यहां मैं मुझे ठीक उचित नहीं लगेगा बताना। लेकिन मोकिल जी को मैंने पहले भी 2-3 बार सुना है नागपुर में, भोपाल में। आज का जो समय है और उनकी याद में हम लोग जिस तरह से आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे लगता है इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। एक निवेदन यह है कि आप कृपया अपने मोबाइल साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर सके तो बहुत अच्छा है, और इधर का जो बाएं तरफ मेरी दरवाजा है उसको बंद करवा दें, और सामने भी उसको शट कर दीजिए, और बाकी जिसको आना होगा वो खोल लेंगे। अब मैं आज के मुख्य वक्ता श्री अनिल बोकिल जी को निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें।
नमस्ते, मैं अनिल बोंकी। पहले मेरा परिचय मैं देता हूँ क्योंकि उसके सिवा शायद ये बात अधूरी होगी। मेरा पूरा परिचय है, मैं हूँ आर के लक्ष्मण का कॉमन मैन और यही परिचय से शायद ये बहुत चीजें आसान होगी मुझे कहने में, आपको समझने में, क्योंकि आपको जो लग रहा होगा शायद, क्योंकि क्या हो गया, ये सब नोटबंदी के साथ हमारा नाम कैसे आया हमें मालूम नहीं है, मीडिया की कृपा भी है इसमें बहुत। 8 नवंबर के पहले भी हमारी बातें यही हो रही थी, 8 नवंबर के बाद भी यही हो रही है। 8 नवंबर के बाद में सोशल मीडिया पे हमें दोनों बहुत मिल गया, हार भी मिल गए और जूतों की तो बात मैं कह नहीं सकता, इतने ज्यादा है। नोटबंदी का ये धक्का था, वो जोर का धक्का जोर से लगा है, हल्के से भी नहीं लगा है, तो सही ऐसा है, लेकिन हमें सही में क्या कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, ये पुरानी बात है। 99 से हम इसको बात को दोहरा रहे थे, सिर्फ नोटबंदी के साथ ही आ गई, उजागर होके बाहर आ गई। मोदी जी का एक डिटरमिनेंट कैरेक्टर जो कुछ सोच के आया था, सौभाग्य से हमें उनको कुछ समय पहले बात करने का ये भी मिला था, मौका मिला था। ये बात होती रही, मोदी जी सुनते गए, सुनते सुनते मुझे एक सबसे ताज्जुब की बात लगी कि कोई आदमी इतनी शांति से एक ही आदमी की बात सुन सकता है, मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी, आश्चर्य की थी। लेकिन अच्छा ये तो लगा था कि ये हमें जो कहना था वो हमने पूरी तरीके से कह दिया था। आज अभी ये जो सभी बातें हो रही है, यहाँ अर्थव्यवस्था की बातें हो रही, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि अभी अभी हम देख रहे हैं कि पहली बार देश में इस कुछ गए कुछ सालों में उतनी ही बड़ी मात्रा में लोग अर्थशास्त्र को सुनने आ रहे हैं। इसके पहले हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े धर्मवेत्ता जो है उनके भाषण को, उनकी संगोष्ठी को बड़ी मात्रा में लोग आते ही है, अभी भारत में अर्थशास्त्र की इसमें भी लोग आ रहे हैं। और जो बात करेंगे हम थोड़ा सा, तो हमें जो लगता है कि अर्थशास्त्र भारत में क्या था, हमारा क्या था, हम सही में कौन सी बात कर रहे हैं, ये जो नोटबंदी का विषय आया वो इसका अर्थशास्त्र से कोई संबंध है या नहीं है। हमारी दृष्टि से जो भारत की जो पुरातन जो व्यवस्थाएं हैं और भारत की जो तत्व ज्ञान है वो कौन सी दृष्टि से अर्थशास्त्र को देखता है। हमने पहले की संवाद तो बताया वक्ता ने कि भारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात होती है, लेकिन भारत ऐसा कौन सा देश है कि जो देश में यह बात कुछ अलग बनती है, दुनिया से अलग होती है। मैं थोड़ा यहां से करना चाहता हूं क्योंकि यह अगर समझ पाएंगे तो हमारी लैंग्वेज बहुत बेसिकली कौन सी है, हम हार्ट लैंग्वेज के या ब्रेन लैंग्वेज की बात कौन सी इसमें से हम करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो देश को नेचर ने एक ऐसी भूमि प्रदान कर दी है, दान कर दी है कि यह बहुत कम देशों के नसीब में हो गया। भारत को एक ऐसी भूमि मिल गई, भारत यानी मैं उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब पकड़ता हूं, एक खंड है भारत खंड, उपखंड की मैं बात कर रहा हूं। यह भारत के उपखंड में भारत को नेचर ने एक ऐसी गिफ्ट में यह भूमि दी है जिसकी वजह से यह देश का आदमी बिल्कुल अलग बन गया, बिल्कुल अलग, नेचर से अलग है। यह कैसा है, क्यों है, आदमी के अस्तित्व के लिए, मानव के अस्तित्व के लिए जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इसमें रोटी की जो जरूरत है, कपड़ा और मकान, भारत के लिए तीनों कभी आह्वान बोल के कभी सामने खड़े आए हुए नहीं, भारत के लिए कभी ये कोई बड़ी समस्या थी ही नहीं। इसलिए नहीं थी क्योंकि भारत को नेचर ने एक बड़ा गिफ्ट किया था, वो है सूरज प्रकाश, सूरज की रोशनी। और ये नेचर से हमें एक ऐसी एक प्रक्रिया मिली जिसमें एक दाने से हजार दाने निकल के आते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। दूसरी तरफ भारत में नेचर ऐसा गिफ्टेड नेचर भारत को मिला, क्लाइमेट पूरी तरह से समतल, ऐसा अपना हवामान जिसमें बारिश भी है, ठंड भी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त तीनों सीजन, धूप, रोशनी, बारिश, ठंड। भारत में इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं कि जिसकी हड्डी टूट जाए, इतनी उष्मा भी नहीं है कि जिसके खुद का पसीना और पानी होके वो निकल जाए बाष्प, इतना दो नहीं था। भारत इतना अच्छा देश है क्लाइमेटिकली, बहती नदियां, बड़े बड़े पर्वत, बैलेंस क्लाइमेट,
इसलिए जो मिल गया भारत को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, इसकी वजह से देश में हमारे भूभाग में बड़ी मात्रा में बायोडायवर्सिटी, जैव वैविध्य तैयार हो गया। जीने के लिए भारत के आदमी को, भारत भूखंड के आदमी को नेचर के साथ कभी झगड़ा करना ही नहीं पड़ा। नेचर की कृपा में, उसके वरदान में यहां का जीवन और समृद्ध हो गया। बाहर की लड़ाई तो थी ही नहीं, इतनी पैदाइश थी सबकी, खाने की, पीने की, कपड़े की, क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत थी ही नहीं, इतने ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं थी, ज्यादा मकानों की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ठंड और उष्मा दोनों ही बहुत कंट्रोल्ड और जितनी पर्याप्त मात्रा में आदमी सह सकता है उतनी मात्रा में भारत को मिल गई। भारत से, नेचर से लड़ाई करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए भारत के ब्रेन में वो डेवलपमेंट जो चाहिए थी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसके लिए वो उसके काम करना छोड़ दिया। लेकिन इतनी ज्यादा अंदर से पैदाश हो रही थी कि ये बहुत बड़ा हो गया दिल। अंदर का प्रवास भारत में बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि बाहर कुछ आह्वान नहीं थे, बाहर कुछ समस्याएं थी नहीं जीने के लिए। तो भारत में अंदर के प्रवास में भारत ने तत्व ज्ञान का बड़ा अंदर का प्रवास हो गया है। यहां सनातन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसे मूलभूत फिलोसॉफीज यहां तैयार हो गई, यहां निभर के आ गए, उभर के आ गए। भारत में दिमाग की ज्यादा जरूरत थी ही नहीं, लेकिन दिमाग से ज्यादा दिल बड़ा हो गया। इसकी जरूरत नहीं, इसकी ज्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं, होने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए नहीं हुई। लेकिन दिल इतना बड़ा हो गया कि यहां कॉपरेशन का स्पिरिट बढ़ गया, सहकार का, अबंडेंस, बहुत कुछ समृद्ध मात्रा में, हमारी जीवन शैली समृद्ध मात्रा में चलती रही। हमने सबको स्वीकार कर दिया, मुगलों को कर दिया, हमने गुड़ों को कर दिया, हमने ब्रिटिशों को कर दिया, हमने पोर्तुगीज को कर दिया। हमने यह सोचा कि हमारे घर में बहुत है, आ जाओ हमारे घर में, सब आ जाओ, हम सब मिलके वसुधैव कुटुंबकम, हमारे यहाँ यह हार्ट ब्रॉड हो गया, हार्ट लैंग्वेज, भावना की भाषा। हमारे अंदर कृतज्ञता आ गई, नेचर के हर स्वरूप को हमने देव के स्वरूप में मान लिया, देवता के स्वरूप में, नदियों की पानी ने हमने पूजा कर ली, हमने पत्थरों की पूजा करी, पेड़ की पूजा कर दी, हमारे अंदर इतना विकास हो गया, कृतज्ञता का विकास। ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसी समय में, इसी वक्त में, यह दुनिया के दूसरे भूभाग में आदमी का एक विकास हो रहा था, यूरोप की द्वीप में। यहां भारत से बिल्कुल उल्टा क्लाइमेट था, बिल्कुल होस्टाइल, बिल्कुल शत्रुत्व वाला। 9 महीने तक पूरी ठंड, सूरज का यही नहीं, दर्शन ही नहीं, तो सूरज नहीं तो बायोडायवर्सिटी नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं। वहां का आदमी जीने के लिए नेचर के साथ लड़ना पड़ा, नेचर से लड़के उसका अस्तित्व था, उसके सिवा टिक ही नहीं सकता था। और नेचर से झगड़ा करते करते उस आदमी का दिमाग इतना बड़ा हो गया, क्योंकि उसको नेचर के साथ झगड़ा करना था। और बहुत मेहनत से कमाया हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करने को दिल नहीं होता था, हंटर गैदरर था, शिकार करके कुछ करके वो कमाता था, जो कमाता था तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि कल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये डर था उसके अंदर। उधर यह हार्ट छोटा हो गया, ब्रेन बड़ा हो गया। ऊर्जा की खोज में वहां टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो गई, यहां फिलोसॉफी की हो गई, वहां टेक्नोलॉजी की हो गई। वहां दिमाग बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए, यहां दिल बड़े हो गए, दिमाग छोटे हो गए। यहां कॉपरेटिव स्पिरिट बढ़ा, वहां कॉम्पिटिशन का स्पिरिट बढ़ा, नेचर के साथ कॉम्पिटिशन था, अलग आदमी बन गया। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि भारत के अर्थशास्त्र की नीति अब क्या है, क्यों है, कैसे है। भारत में जब अंदर का प्रवास शुरू हो गया तो भारत के सामने जो चार पुरुषार्थ आए, धर्म, अर्थ, काम, ये शब्द हमें ज्यादा सही नहीं लगता, कर्म हम इसको मानते हैं, कर्म और मोक्ष। उसमें भारत की पूरी फिलोसॉफी में धर्म हर आदमी का अलग है, कोई भी दो आदमी का धर्म एक जैसा नहीं हो सकता। धर्म बाहर तो है ही नहीं, धर्म अंदर है, जो कैरेक्टर पे काम करता है, अपने गुणों के अंदर काम करता है, रजो सत्व तम गुण है, गुणों के ऊपर जो काम करता है वो धर्म होता है, बाहर वो सर्व कर्म कांड है, धर्म नहीं। हमारे भारत में हमने माना कि हर एक का धर्म अलग, भाई का धर्म अलग, बहन का धर्म अलग, राजा का अलग, जनता का अलग, गुरु का अलग, शिष्य का अलग, वक्ता का धर्म अलग, श्रोता का धर्म अलग, भूमिका बदल जाती है धर्मों की तरफ, उसका धर्म ही बदल जाता है।
अनिल बोकिल एक पिता बोल के अलग धर्म, बेटा बोल के अलग धर्म, भाई बोल के अलग धर्म, भूमिका बदल जाती है, कैरेक्टर उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। धर्म बाहर नहीं, एक ही माँ बाप के दो बेटे, एक ही संस्कार के, एक ही आरएनए डीएनए के, बिल्कुल अलग बर्ताव करते हैं बिहेवियर, क्योंकि उनका धर्म अलग है। हमारे यहां धर्म को जो जुड़ा गया, जोड़ा गया, वो था अंदर कैरेक्टर के साथ, और जो बाहर है वो सभी कंडीशन है, सिस्टम्स, नेचर की सिस्टम है, संस्कृति की सिस्टम्स है, सिस्टम्स है, कल्चर, कल्चरल नेचुरल सिस्टम्स। हमारे यहां अर्थशास्त्र उसको कहा गया जो संसाधनों पे काम करता है। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस। हमारे देश में एक बड़ी एक उलझन आ गई, हम इतने समृद्ध लोग ऐसे कैसे हो गए, तो उसमें एक बड़ी उलझन ये थी कि हमने पैसे के शास्त्र को ही अर्थशास्त्र मान लिया, ऐसा कभी था ही नहीं। भारत को अर्थशास्त्र की पूरी जानकारी थी, है, हमें वित्त शास्त्र की जानकारी नहीं है। वित्त शास्त्र ये पैसे का शास्त्र है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ रिसोर्सेस एंड फाइनेंस इज द साइंस ऑफ मनी, जिसको वित्त शास्त्र भी कहते हैं। तो धर्म है वो कैरेक्टर पे काम करता है, अर्थ है वो कंडीशन पे काम करता है। कंडीशन और कैरेक्टर एक दूसरे में मिलके जो कृति हो जाती है वो होता है कर्म, यानी प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया के बाद में अगर आदमी को शांति मिलेगी, सैटिस्फैक्शन मिलेगा, तो होता है मोक्ष। जैसे मेरे पेट की भूख है वो मेरा धर्म है, वो बाहर से नहीं ला सकता मैं। थाली का खाना है वो अर्थ है जो बाहर से संसाधनों से बनता है। खाने की प्रक्रिया ये काम या कर्म है, और खाने के बाद अगर मुझे सैटिस्फैक्शन मिला तो वो मोक्ष है। थाली का खाना बहुत अच्छा है लेकिन मेरा पेट ही बिगड़ा हुआ है, मैंने खा लिया तो मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला। मेरे पेट में बहुत अच्छी भूख है, थाली का खाना खराब है, सड़ा है, अगर वो मैं खाऊंगा तो मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला। ये दोनों अच्छी है, भूख भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है, लेकिन खाने की प्रक्रिया मेरी गलत है, खा के मुझे भागना है तो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। धर्म, अर्थ और कर्म ये तीनों को 33.3% ही है, लेकिन पासिंग मोक्ष के लिए 100% ही है। अभी हम लोग इसमें सिर्फ अर्थशास्त्र पे काम करते हैं, संसाधनों पे, हम ना तो धर्म के बारे में, क्योंकि धर्म के बारे में भारत में बहुत ज्यादा स्टडी हुई है। हम लोग हर चीज धर्म की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमारे प्रॉब्लम है। आज हम जिस उलझन में पड़े हैं दुनिया के इसमें, पूरे इसमें, कि हम भारत ऐसा कैसा देश बन गया, इतना करप्ट, इतना, आज मैंने अभी सुन लिया था ना कि इतना बेकार, इतने गरीब लोग, यहाँ भूखे लोग, ऐसे क्यों है? ये हमारी धारणा, हमारी मानसिकता ऐसी कैसी बन रही है कि दूसरे का जेब से छीन के लिए ऐसा कैसा बन रहा है? ये देश का कैरेक्टर कभी ऐसा था ही नहीं। जब हम छोटे थे तो हम हमारे दादा दादी से सुनते थे कि भाई ऐसा था, एक समय था कि उनके समय में एक तिल 7 लोगों में बांट के खाया जाता था। हमें तब भी आश्चर्य लगता था, एक तिल इतना छोटा सा, उसका टुकड़ा कैसा करते होंगे, कैसा खाते होंगे। लेकिन कहने का मतलब बाद में हमारे समझ में आया, तब का समय ऐसा था कि जब मैं एक तिल दूसरे को दूंगा तो दूसरा मुझे देने वाला था, ये आश्वासन था हमारे अंदर। अभी मैंने बात सुनी, तिल को 7 दिनों में बांटा नहीं जाता था, सामने दिया तो दूसरा मिलने वाला था। भारत समृद्ध देश था, वो कभी श्रीमंत था मुझे मालूम नहीं। श्रीमंत क्या होता है, अमीर क्या होता है, समृद्ध क्या होता है, उसमें एक फर्क होता है। जब निर्मिति के साथ वितरण भी होता है वो समृद्ध होता है। सिर्फ निर्मिति होती है लेकिन वितरण नहीं होता, एक जगह रुक जाता है वो अमीर होता है। जैसे होती है ना, बहती नदी होती है वो समृद्ध होती है, बहते बहते वो समंदर तक जाती है, लेकिन बीच में सबकी प्यास बुझाती जाती है। पशु है, पंछी है, पेड़ है, किसी को रोकती नहीं। एक बड़ा डैम आपने बांध दिया बीच में, एक बड़ा धरण उसके ऊपर, डैम ने आपको बांध दिया, वो धरण वो अमीर है, श्रीमंत है, लेकिन बाद में वो सूखा हो गया, इकट्ठा हो गया, लेकिन उसका वितरण नहीं है। जो डैम होता है वो अमीर होता है, श्रीमंत होता है, समृद्ध नहीं। नदी होती है समृद्ध होती है, तैयार होती है, बहते रहती है। भारत में वेल्थ का क्रिएशन था, उसके साथ वितरण भी होता था। अभी भारत में यह अर्थशास्त्र की धारणा किस तरीके से आई, हर एक तक पहुंचना। नेचर ने इतना दिया था कि संभालने के लिए कोई जरूरत ही नहीं थी। भारत के आदमी का डर बहुत कम था,
कल उसके लिए अश्योर्ड था, नेचर की फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब डर कौन सा ये रखता है? हमारी धारणा थी कि व्यष्टि समष्टि सृष्टि और उसके बाद में अगर कोई सोचता है बिलीव करता है तो परमेष्टि, ये चार टीयर पे हमारी सोच थी। व्यष्टि का मतलब व्यक्ति होता है, समष्टि यानी मानवीय समाज, सृष्टि उसके ऊपर है यानी निसर्ग, ये पूरा नेचर, और उसके ऊपर जो आध्यात्मिक जो ये है सृष्टि है डिवाइन स्पेक्ट्रम। तो अब व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से सृष्टि तक हमारी रिलेशन थे शाश्वत, हम लोग जीते थे नेचर की कृपा में। ये बदल कैसे गया? यहां के अर्थशास्त्र की परिभाषा में इसको किस तरीके से हमको उसको हम सोच सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखूंगा। हमारे देश में इतनी कभी डर थी नहीं, हम लोग एग्रीकल्चर से थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, हमारा जो भी सुख दुख था हमारे परिवार में उसको बांटा जाता था, इंडिविजुअलिज्म नहीं था। मुझे मेरी बचपन मुझे याद है, एक ही रूम में हम सब भाई बच्चे एक ही रूम में 5-6-7 आराम से रहते थे, प्राइवेसी नाम की कंसेप्ट थी ही नहीं सही में। एक दूसरे से तो कॉम्प्लीमेंट्री जीते थे, बड़े भाई की तो पैंट अपने को मिलने वाली है इसलिए बड़े पैंट उसको किसे संभाला जाए क्योंकि बाद में अपने को मिलने वाली है, इसी तरीके की सोच थी। एक ही साथ हर चीज, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन इसमें कॉपरेशन का स्पिरिट भी था, वो सिर्फ कंपल्शन नहीं था, रिश्ते में और ज्यादा एक गहराई थी, हम लोग इंटरडिपेंडेंट थे, हम डिपेंडेंट नहीं थे, इंडिपेंडेंट कभी नहीं थे। नेचर का फंडामेंटल जो ये है जिसको फूड चेन बोलते हैं, कि नेचर में कोई भी चीज इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं हो सकती, सभी इंटरडिपेंडेंट है। पैसे नाम के एक कागज के टुकड़े ने ऐसा कर दिया कि आदमी को लग रहा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पैसा है तो मेरे जेब में सब कुछ है, मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा। ये इल्यूजन कैसा खड़ा होगा इसकी बात तो हम करें नहीं करेंगे। भारत का जो व्यापार था, भारत की जो उद्योग थे कैसे चलते थे, भारत में हम बार्टर सिस्टम में काम करते थे। अभी तो मैंने सुना कि ये 12 वलुते जो चलते थे, हम मूल्य के बदले में मूल्य देते थे, चीज के बदले में चीज, उसमें ऐसे कोई मीडियम नहीं था, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं थी, वो सामने रखता था ये मुझे चाहिए, ये निगोशिएशन से बात होती थी, वस्तु के बदले में वस्तु, और सभी सेवा के बदले में क्या था, सेवा के बदले में अनाज था। इस आखिर में सभी वो किसान के अनाज पे इसकी सबकी सेटलमेंट होती थी, ये 12 बलुत की। इसलिए किसान को राजा कहा जाता था, किसान सिर्फ पेट के लिए खाना नहीं बनाता था, अनाज नहीं पैदा करता था, वो तो उसका भाग था ही, लेकिन पूरे गांव का जो व्यवहार था उसके अनाज पे चलता था, इसलिए किसान राजा था। हमारी व्यवस्था में बोला जाता था उत्तम कृषि मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी, नौकरी या तो होती नहीं थी, जो बिल्कुल कम लोग हैं, थोड़े से मेंटली रिटार्डेड स्लो है, इनके लिए कोई तो काम देता था लेकिन उसमें कोई एहसास की बात नहीं थी। पहले बार ये देश में ऐसा होने लगा है। अभी अनाज की जगह है, सभी जो सर्विसेज चल रही है उसकी जगह पैसे ने ले ली है, वो बैंकों ने ले लिया, अभी किसान को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे हालत क्या हो रहा है। अभी भी उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं आज अभी तो अनाज पेट के लिए तो पैदा करता ही हूं ना, मेरा वजूद अभी भी है, लेकिन यह भी बदल गया। उतना जितना भी पैदाइश कर रहा है, अब देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में गेहूं की कितनी पैदाइश होती है, भारत के सभी गोडाउन भरे हैं, लेकिन फिर भी हमें कनाडा से सस्ता गेहूं मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से सस्ता गेहूं मिल रहा है। आज ये अनाज भी एक बाजार का एक कमोडिटी बन गई, एक चीज बन गई, अभी यानी हमारे किसान का ये टूट गया। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस, ये संसाधनों का शास्त्र है, पैसे का नहीं, पैसे का शास्त्र को वित्त शास्त्र या फाइनेंस बोलते हैं।
शायद आवाज आएगी, थोड़ा सा मुझे और बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन आएगी, दो मिनट में आएगी, आवाज भी आएगी, मेरी भी आएगी और शायद इसकी भी आएगी। अच्छी आ रही है। हाँ, तो आप सामने वाली लाइन में तो आपको अच्छा आ जाएगी, आ जाएगी। इकोलॉजी का क्या है, आज मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि दुनिया इसको बहुत सीरियसली देख रही है। इकोनॉमिक्स क्या था और इकोलॉजी क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन कैसे टूट गया, आज मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि ये भारत की परिभाषा है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस, व्हाइल इकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोर्सेस। सोर्स और रिसोर्स के बीच का मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं। नेचर ने जो कुछ बनाया वो सभी सोर्स यानी स्रोत जिसको कहते हैं, नेचर ने बनाया। नेचर ने हवा बनाई, नेचर ने पानी बनाई, नेचर ने नदियां बनाई, नेचर ने पर्वत बनाए, नेचर ने पेड़ बनाए, बेलियां बनाई, नेचर ने पशु बनाए, पंछी बनाए, नेचर ने आदमी को भी बनाया। ये सभी है वो इकोलॉजी है जो नेचर ने बनाया। वो जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसको आदमी ने निकाला और उसको प्रक्रिया कर दी। सोर्स को आदमी ने लिया, उसके ऊपर प्रक्रिया की, तब बन गया संसाधन। सिर्फ आदमी के यूज के लिए जो आदमी ने बनाया वो हो गया संसाधन। सोर्स से रिसोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन आदमी के यूज के लिए आदमी ने कर दिया, ये है संसाधन। स्रोत और संसाधन के बीच का रिलेशन ये है। इकोलॉजी है वो स्रोतों से जुड़ी है, इकोनॉमिक्स है ये संसाधन से जुड़ी है। जैसे मैं बोलता हूं ना, कच्चा चावल है, आग है, पानी है, ये सभी नेचर ने बनाया, इसलिए ये सभी इकोलॉजी है। लेकिन पका हुआ चावल यह आदमी ने बनाया, आदमी के लिए बनाया, किसी जानवर की जरूरत नहीं, पका हुआ चावल, ये इकोनॉमिक्स है। अभी यह संसाधन आदमी के लिए है, जब वो विक्रय में आ गया, विक्रय यानी ट्रेड में आ गया, वो फाइनेंस हो गया। भारत में बार्टर का विनिमय था, विक्रय नहीं था, वो बेचने के लिए नहीं था, वो विनिमय के लिए था, एक्सचेंज के लिए था। भारत में विक्रय होता ही नहीं था, विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था, सिर्फ ट्रेड नहीं। तो इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स हम लोग साइंस वाले मानते हैं, फंडामेंटल जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको कहते हैं, नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एब्सोल्यूट, ओनली वन कैन चेंज द फॉर्म। हम पूरी तरह से नई चीज कोई नहीं बना सकते, या जो चीज अस्तित्व में है उसकी पूरी तरह से अस्तित्व उसका खत्म नहीं कर सकते, उसका रूपांतरण कर सकते हैं, स्वरूप बदल सकते हैं, जो है उसका अस्तित्व हम खत्म नहीं कर सकते, नया अस्तित्व हम निर्माण नहीं कर सकते। ये फिजिक्स का बेसिक नियम है जिसके ऊपर ये पूरी भौतिक जग खड़ी है, भौतिक विश्व उस पर खड़ा है। इसका दूसरा मतलब यह है कि कोई भी संसाधन स्रोतों के सिवा बन ही नहीं सकता, रिसोर्स सोर्स के सिवा हो ही नहीं सकता। पका हुआ चावल कच्चे चावल के सिवा बन ही नहीं सकता, इसका यह मतलब है। आज आदमी के जीवन का, मैं मॉडर्न ह्यूमन लाइफ की बात कर रहा हूं, मानवीय अस्तित्व का सबसे सबसे प्रेस्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट अगर रिसोर्स कोई है जिसके सिवा हम सोच ही नहीं सकते आदमी के लाइफ, वो है पैसा। हर चीज मोनिटाइज हो गई, हर चीज पैसे पे मिलने लगी है, पैसे के सिवा आज हम सोच नहीं सकते जिंदगी। सबसे पावरफुल रिसोर्स जो पैसा बन गया है, उसका इकोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग ऐसा मानते हैं, समझते हैं कि सरकार ने जो चिट पे प्रिंट करके दिया है कि आई प्रॉमिस टू पे बेरर सम ऑफ रुपीज, मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उसमें 2000 हो या 500 कितनी की भी नोट हो, ये जो नोट बनती कैसे है आप सब समझ सकते हैं ना। हमें लगता है कि सरकार के पास कुछ सोना होता है या प्रेस्टिजियस मेटल होता है, वो सरकार रिजर्व बैंक के पास रखती है, उसकी वैल्यू की नोट प्रिंट हो जाती है, फिर वो सर्कुलेशन में आ जाती है, हमारी यही धारणा है ना। आपको क्या लगता है ये पैसा कैसा प्रिंट होता होगा, कैसा ये कागज का टुकड़ा प्रिंट कैसे होता है, कौन सी धारणा भी ये प्रिंटिंग होती है। हम सब लोग जिसको समझते हैं कि सरकार उसको सोने से बैकअप या कोई प्रेशियस मेटल से बैकअप करती है,
या हमारी जो धारणा है वो 1954 में खत्म हो गई है, 54 में, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे या मेटल स्टैंडर्ड बोलते थे। आज का पैसा ऐसा नहीं बनता, आज के कागज के टुकड़े के पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज के ये कागज के टुकड़े के पीछे सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, संवैधानिक अधिकार, जितनी मात्रा में चाहिए वो रिजर्व बैंक को उन्होंने अधिकार दिया है कि आपकी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जितनी मात्रा में आपको ये नोट छपवानी आपको छपवा सकते हैं। आज की भारत की जो नोट बनती है, मैं 8 नवंबर की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर 2016 की, 1954 में जब हमने मिनिमम स्टैंडर्ड से एक्सेप्ट कर लिया, गोल्ड स्टैंडर्ड से हम मिनिमम स्टैंडर्ड को स्विच ओवर कर गए, तब की गवर्नमेंट में रिजर्व बैंक में 200 करोड़ रुपए का बैकअप रखा, जिसमें 115 करोड़ का सोना था, 85 करोड़ की यूके की करेंसी पाउंड थी, क्योंकि वो ग्लोबल करेंसी थी, यूके का ट्रेड सबसे बड़ा था, 85 करोड़ की पाउंड की करेंसी और 115 करोड़ का गोल्ड, ऐसे 200 करोड़ रुपए की बैकअप सरकार ने रखी थी रिजर्व बैंक के पास। 2016 में जो 16.5 लाख करोड़ का डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसके पीछे सिर्फ ये 200 करोड़ का ही बैकअप है, ये कागज के टुकड़े के पीछे कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसको लीगल टेंडर कहते हैं, इसीलिए इसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, हाई क्रेडिट मनी नहीं, हाई पावर्ड मनी। आप इसको चैलेंज नहीं ले सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से बनती है। दुनिया में आज कौन सी भी नोट सोने से जुड़ी हुई नहीं है। आज हमारी ये जो नोट है ना हमारे यहां जेब में 2000 की नई नोट, वो बनाने का पूरा खर्चा हमारे सरकार का आज 3.60 रुपए से कम है। ये 3 रुपए के कागज के टुकड़े पे सरकार छपवाती है 2000 रुपया। दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी हम सब जानते हैं आज वो डॉलर है, क्योंकि वो सभी ग्लोबल ट्रेड डॉलर में चलता है, और सबसे बड़ी डॉलर की नोट है 100 डॉलर की। ये 100 डॉलर की नोट प्रिंट करने का अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आपको मालूम है कितना है? 15 सेंट। यानी अमेरिका की 100 रुपए की नोट अमेरिका के 15 पैसे में तैयार हो जाती है, उसके पीछे सोना मिला कुछ भी नहीं है। जब हम मार्केट में ट्रेड में जब अमेरिका से 100 डॉलर की वो नोट लेते हैं, तो अमेरिका को हम क्या देते हैं? 100 डॉलर वैल्यू का बासमती चावल, वैल्यू का। उसके बदले में जो कागज का टुकड़ा लेते हैं उसकी कीमत कितनी है? 15 सेंट। हम तो ट्रेड में अमेरिका को 100 डॉलर वैल्यू का अल्फांसो देते हैं, हापूस। उसके बदले में जो कागज का टुकड़ा लेते हैं उसकी कीमत कितनी है? 15 सेंट, इंट्रेंसिक वैल्यू। और हम सब जानते हैं भारत से हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं अमेरिका को? बहुत चुभने वाली चीज मैं आपसे कहता हूं, हमारे जवान बच्चे हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, बचपन से केजी से स्कूल का हम एक्सपोर्ट के लिए तैयार करते हैं, वही कल्चर हमें देना है उनको कि भैया तू अमेरिका में नहीं, आप तो भारत में तेरा भविष्य नहीं है, तू अमेरिका ही जाना है, एक्सपोर्ट के लिए हम तैयार करते हैं, वही कागज के टुकड़े के लिए। मुझे बताओ कि अमेरिका को यह सब चलता है, भारत का चावल चलता है, भारत का आम चलता है, भारत के जवान बच्चे तो चलते ही है, भारत के 500 की नोट अमेरिका में चलती है क्या? क्यों क्यों नहीं चलती? भारत की 2000 की नोट अमेरिका में क्यों नहीं चलती? क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए। मुझे बताइए कि अगर ये 2000 के ऊपर सरकार को 1 शून्य और ऐड करना है 2000 के आगे, तो सरकार का कितना खर्चा बढ़ेगा एक्स्ट्रा जीरो प्रिंट करने के लिए? सरकार का खर्चा कितना बढ़ेगा? कुछ भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको 20,000 की वैल्यू बोल के वो कागज के टुकड़े को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मोदी जी ने 3 बार कहा 8 नवंबर को कि हम इसका लीगल टेंडर का स्टेटस निकाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कहा। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हमारे यहां गणपति की बड़ी ये होता है, बड़ा त्यौहार होता है, तो गणेश चतुर्थी के दिन हम क्या करते हैं, वो गणेश जी की मूर्ति जो मट्टी से बनी होती है उसको लाते हैं, पहले दिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं,
प्राण प्रतिष्ठा के बाद वे हमारे देवता बन जाती है 10 दिन के लिए। आखिरी दिन में उनका वो प्राण का हम ये करते हैं और फिर वो मट्टी की मूर्ति बोल के मट्टी उसमें छोड़ देते हैं, फिर मट्टी बन जाती है। वैसे ये वैल्यू की प्राण प्रतिष्ठा ये गवर्नमेंट करती है, उसी को लीगल टेंडर बोलते हैं। हम ये सिर्फ समझ नहीं पाएंगे कागज का टुकड़ा बनता कैसा है और इसके लिए हम यहां इतने बड़े प्रॉब्लम में आ गए। हमने अर्थशास्त्र तो समझ लिया लेकिन हमें पैसे का शास्त्र समझ ही नहीं पाए। इसको फिनेंशियल असेट कहते हैं, जो इसकी सोच की बात है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है, किसने क्या किया है, या अमेरिका की नोट क्यों चलती है, हमारी समझ में नहीं आया। हमें लगने लगा कि भाई हर चीज हम में गलत है, ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र अलग, वित्त शास्त्र अलग, ये सिर्फ समझ की बात है। अमेरिका का डॉलर आज इतना पावरफुल क्यों? अमेरिका के पास ऐसी 4 पावर है जिसके वजह से अमेरिका का डॉलर इतना आज सबसे ताकतवर है। उसमें पहली पावर है अमेरिका की ट्रेड पावर। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल ट्रेड में अमेरिका का शेयर आज 40% तक है, तकरीबन 40%। इसलिए उसको मेल्टिंग पॉट भी बोलते हैं। दुनिया का हर जवान बच्चा वहां जाना चाहता है। कभी भारत था मेल्टिंग पॉट, दुनिया के सभी लोग नालंदा तक्षशिला में आके यहां पढ़ते थे, भारत सबका ये था, आज अमेरिका हो गया। तब भारत का जो ट्रेड में जो शेयर था वो 40% प्लस था, आज अमेरिका का है। यह अमेरिका के डॉलर की पहली ताकत है। दूसरी ताकत अमेरिका के डॉलर की फ्री डेमोक्रेसी। अमेरिका एक पैशनेट कंट्री है, सर युवाओं को वो लुभाता है कि आ जाओ आपको लिबर्टी है, फ्रीडम है। युवा चाहते हैं ना कोई अपने ऊपर बंधन ना रहे, फुल फ्री कंट्री। यहां तक फ्री है कि वहां एक औरत दूसरी औरत के साथ शादी कर ही सकती है। मार्टिना नवरतिलोवा, आपने मालूम है कि उन्होंने उसकी वाइफ को डिवोर्स दिया था। यह हो सकता है अमेरिका में, फुल लिबर्टी, नेचर का कोई कंस्ट्रेंट नहीं। अमेरिका की तीसरी पावर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, कंड्यूसिव एटमोस्फियर फॉर इनोवेशन। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, हर क्रिएटिव माइंड को लगता है कि मुझे और ज्यादा ये मिलेगा, मुझे कंड्यूसिव एटमोस्फियर मिलेगा, नहीं खोज कर सकूंगा, उसकी सृजनता आगे आएगी निकल के। ये दुनिया के सृजनता को अमेरिका अट्रैक्ट करता है। ये अमेरिका की तीसरी ताकत है। और अमेरिका की चौथी ताकत हमने सबने देख लिया, जब सद्दाम हुसैन ने पहले बार इसको सिर्फ सोचने की कोशिश की कि हमारा ऑयल का ट्रेड हम डॉलर की जगह यूरो में करेंगे, तो अमेरिका ने चौथे पावर का डेमोन्स्ट्रेशन दुनिया को दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। देखो यह है अमेरिका की मिलिट्री पावर। एक जैसा गुंडा है ना कि मेरी ये चीज है इतनी कि आपको लेनी पड़ेगी, उसके ताकत से वहां ले गोली ले लो भैया, मैं लेना पड़ेगा। यह अमेरिका की चौथी ताकत है। आज ये ट्रेड पावर क्या है, अमेरिका की कंजम्पशन क्या है, 32 करोड़ की अमेरिका दुनिया का कंजम्पशन इंजिन कैसे बना, ये कागज के टुकड़े में क्या क्या है, इसके पीछे अगर कुछ भी नेचुरल एंटिटी नहीं है तो यह दुनिया का सबसे सीरियस प्रॉब्लम बन गया। इकोलॉजी से इकोनॉमिक्स का रिलेशन टूट गया। पहले सोने में से जब पैसे बनता था इसका मतलब सोना इकोलॉजी की एक चीज थी जो नेचर ने बनाई, उसके साथ हमारी इकोनॉमी जुड़ा था। सोने में से पैसा बनता था, अभी पैसे में से सोना बनता है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फर्क। इकोलॉजी के अंडर अगर इकोनॉमिक्स होगा तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक्स के अंडर अगर इकोलॉजी आएगी तो वो है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। अभी ये कागज का टुकड़ा बनता है जिसके हमारे ऊपर पूरी मॉडर्न लाइफ खड़ी है, उसके पीछे कोई भी नेचुरल एंटिटी नहीं है, कोई भी नेचर की चीज नहीं है। ये दुनिया का सबसे सीरियस प्रॉब्लम बन गया आज। आज दुनिया पहली बार सोच रही, आज ये कार्बन का ये हो रहा है, कार्बन क्रेडिट का मार्केट हो रहा है, लोग कागज के टुकड़े को उसको काउंट कर रहे हैं। हमारी सोच उसके आगे जा ही नहीं रही है कि ये पैसे के आगे कुछ तो होगा। इतनी बड़ी भूल आदमी के लाइफ में हो गई। तो पहला रीजन था नोटबंदी के लिए, सस्टेनेबल लिविंग के लिए सिर्फ भारत की जरूरत नहीं है, दुनिया की जरूरत है। अभी नोट जो होती है वो किसी भी नेचुरल एंटिटी के साथ जुड़ी नहीं है, वो कितनी भी इसमें पैदा कर सकता है। हम पैसे को जिस तरीके से जानते हैं, पैसे के मोटे मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स के इसमें दो ये होते हैं विभाग, इसको एक को बोलते हैं नैरो मनी, दूसरे को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी जो हम इमीडिएट ट्रांजैक्शन को यूज नहीं कर सकते, जैसे हमारे टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे हमारी इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है,
ये भी पैसा होता है, सोना होता है, हम हमारी जमीन होती है, जायदाद होती है, हम ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते उसको। ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए जो पैसा यूज होता है उसको नैरो मनी बोलते हैं, इसको ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं, जो इमीडिएट सेटिंग के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके दो कंपोनेंट है, एक है कैश मनी और दूसरा है बैंक मनी। बैंक का मनी का मतलब होता है जो आप चेक से दे सकते हो इमीडिएट सेटलमेंट के लिए, आप डेबिट कार्ड से दे सकते हो। ये दूसरा पैसा हम सब लोग बना सकते हैं। जैसे मैं नोट यूज कर सकता हूं, तो जैसे मैं कौन सी भी चेक पे लिख सकता हूं कि पे टू समबड़ी 10,000 करोड़ दे दो, और मैं नीचे नोट पे साइन कर सकता हूं ये मैंने मेरा पैसा बना लिया है, और मेरी साइन गवर्नर साइन की इतनी भी इंपॉर्टेंट बनती है। लेकिन ये बैंक मनी तैयार करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें मेरा क्रेडिट होना चाहिए। अभी ये क्रेडिट क्या चीज है? जैसे सरकार नोट छपवाती है, वैसे बैंक हमें लोन में पैसा देती है, क्रेडिट देती है। तो क्रेडिट देते वक्त बैंक हमसे मॉर्गेज लेती है। अब किसी भी बैंकर को पूछना कि आप हमसे मॉर्गेज क्यों लेते हो, क्या बोलते हो उसको, तारण क्यों लेते हो? कोई भी बैंकर आपको यही बोलेगा कि आप अगर बैंकरप्ट हो गए, आप अगर हमारा कर्जा ना दे पाओगे, तो आपका ये जो है मॉर्गेज सेल करके हमारी रिकवरी हम कर लेंगे। ये उसका पहला रीजन नहीं है, दूसरा रीजन है ये। पहला रीजन ये है कि जब बैंक आपको क्रेडिट देती है तो क्रेडिट मनी बढ़ाती है इकोनॉमिक्स में, तो उसको रियल वैल्यू का बैकअप चाहिए। जैसे कि सोने के सिवा नोट प्रिंट कर दिए जाएंगे तो इन्फ्लेशन आएगा, ऐसा ही अगर क्रेडिट के सिवा, अगर बैंक मॉर्गेज के सिवा आपको क्रेडिट मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगी, आपको रियल वैल्यू का बैकअप चाहिए, इसलिए आपसे वो तारण लिया जाता है। कोई बैंकर ये बोलेगा नहीं। तो बैंक मनी जो होता है, जो हमें क्रेडिट पे मिलता है, वो इन्फ्लेशन प्रूफ होता है, क्योंकि उसके पीछे रियल वैल्यू का बैकअप होता है। अगर कि ये कागज की नोट हम छपवा दे रहे, सोना मिला कुछ भी नहीं है सर।